कभी आपने ये सोचा है वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट विलेज में कितने लोग रहते होंगे, और अगर वहाँ पर लोग रहते हैं तो कैसे रहते होंगे, और हम जैसे नॉर्मल लोग वहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, और अगर जाएंगे तो हमें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है। तो वर्ल्ड के हाईएस्ट रेस्टोरेंट में आपको कॉस्ट कैसा पड़ेगा हर एक चीज़ का एक बार देख लो। आपको यहाँ पर कॉफ़ी मिलेगी 80 रुपीज़ की, बहुत सारी चीज़ें लेमन टी 70 की, तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ एंड निकल रहा हूँ हॉस्टल से, क्योंकि यहाँ पर मेरा वन डे का ही स्टे था। तो जहाँ पर तरन रुकी वहाँ पर अभी मैंने स्टे लिया है। कल और एक बंदा मिला था हमें, तो उसके साथ मैंने स्टे लिया, शेयरिंग में रूम की हम दोनों ने, तो आपको वो भी रूम में दिखा देता हूँ। वहाँ का स्टे मुझे हॉस्टल से अच्छा लगा एंड वहाँ पर ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा वहाँ पर रहने के लिए। स्पीति होराइजन नाम है इस हॉस्टल का। तो आपको और एक बात बता देता हूँ, इस पूरे स्पीति में मतलब काजा में एक ही पग आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी इस होम स्टे में। तो ये रहा होम स्टे, तो जाते हैं अंदर। तो ऐसा कुछ रूम मिला है हमें 1000 रुपीज़ में। तो मेरे साथ है रायन, तो हम दोनों ने शेयर किया है। और ये तू क्यों आती है रे हमारे रूम में, तेरा डॉम उधर है तो जानो। तो ऐसा कुछ है, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी एंड ये होम स्टे है, तो दो लोग शेयरिंग में रह सकते हैं। और इधर बाथरूम है एंड आउटसाइड में आपको वॉशरूम मिल जाएगी, कॉमन वॉशरूम, ये भी कॉमन बाथरूम है। और यहाँ पर आपको खाना वगैरह हर एक चीज़ मिल जाएगी, और आपको 450 का वन बेड मिलेगा अगर आप चार लोगों में शेयरिंग करके रहते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे, क्योंकि इस हॉस्टल में 699 रुपीज़ में आता है। और ये ऐसा कुछ कॉमन एरिया है, यहाँ पर आकर आप लोग चिल कर सकते हो। और जो प्राइजेस है ना, वो सीज़न के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो डॉर्मेटरी बेड्स थे 450 का, तो क्योंकि अभी ऑफ सीज़न चल रहा है तो 450 चल रहा है। अगर आप जून जुलाई अगस्त तक आते हो तो आपको 450 में मिल जाएगा शायद से, क्योंकि एक बार पहले प्राइस कंफर्म करके आना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका भी मैं नंबर दे दूंगा, और जस्टल की तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, बट इनके लिए भी आपको ऑनलाइन बुकिंग मिल जाएगी। बट मेरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप इनको कॉल कर देना, ये भाई आपको मिलेगा। भाई आपका नाम हीरा भाई, तो आप लोग देख सकते हो हीरा भाई यहीं पर रहते हैं, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ईजी पड़ जाएगा। यहाँ पर भी आपको खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कैरम हो गया और ये सॉकर टाइप। यहाँ पर टीवी भी लगा है, और मेन मतलब गर्मी के लिए आपको इसको क्या बोलते हैं, तंदूर बोलते हैं। हाँ तंदूर कुछ तो बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, मैं मतलब मैंने देखा है बस, बट आज रियल में देख रहा हूँ इसको। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खेलने के लिए, तो आपका नंबर मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आकर अच्छे से स्टे कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर नाश्ता वगैरह सुबह का मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, और खाना भी बहुत ज़्यादा सस्ता है। कल हमने यहाँ पर वेज थाली खाई थी, वो मुझे पड़ी थी 110 रुपये की, और बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब घर के जैसा मुझे खाना यहाँ पर मिला। तो अभी मैंने पराठा ऑर्डर किया था, तो अभी पराठा खा लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग 6 प्लेसेस घूमने वाले हैं, तो हर एक प्लेस में आपको जाने के बाद बता ही दूंगा। तो उसका कॉस्ट हमें पड़ रहा है लगभग 3600 रुपीज़ 5 लोगों में। 3600 डिवाइड बाई 5 कर देना तो आपको पता चलेगा पर पर्सन कितना आने वाला है। सच को तो मुझे ऐसा घूमना बिल्कुल पसंद नहीं टैक्सी वैक्सी करके, बट प्रॉब्लम ऐसा था कि अभी मेरे साथ कोई है भी नहीं, और यहाँ पर बसेस की फ्रीक्वेंसी भी उतनी नहीं है कि मैं हर जगह घूम पाऊँ, और हर जगह बस भी जाती नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इन लोगों के साथ ही ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मेरा घूमना भी हो जाएगा। तो कल मुझे और एक बंदा मिला था ओमी, जो कि भाई बांग्लादेश से। हाय ब्रो। तो मैं जब बांग्लादेश जाऊंगा तो शायद भाई मेरे को वहाँ पे मिल सकते हैं। सो व्हाट्स योर टुडेस प्लान? आई वांट टू गो किब्बर, वी हैड अ बाइक एंड इट्स कॉस्ट अबाउट, यू रेंटेड अ बाइक? या व्हिच बाइक? इट्स हिमालयन, दिस बाइक। या ओके, कितना पड़ा? 900 रुपीज़। 900 रुपीज़। एंड पेट्रोल कॉस्ट? पेट्रोल कॉस्ट मेरा से। ओके ओके ब्रो, चलो मिलते हैं फिर, जाके आते हम लोग भी। तो ऐसी कुछ वैन की है
जिसका कॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आपका नाम क्या है? तेंजी। तो तेंजी भाई आज हमें घुमाने वाले हैं, और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं लांगजा विलेज। तो अभी हम एक जगह पर रुक गए हैं क्योंकि आगे रोड का काम चालू है, और भैया बोल रहे हैं कि हर समर में यहाँ पर ऐसे रोड के काम चालू ही रहते हैं क्योंकि विंटर में हर एक चीज़ यहाँ पर बंद हो जाती है। तो अभी हम आ चुके हैं लांगजा विलेज में। तो लांगजा विलेज कुछ ऐसा दिखता है। ये रही यहाँ पर वैन खड़ी, देखो, और नीचे कुछ विलेज ऐसा है। यहाँ पर अच्छी खासी ठंड भी लग रही है, बट आने का जो रूट था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था। वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेजेस में से ये एक विलेज है जो कि इंडिया में है, और आगे आप जो मूर्ति देख रहे हो वो गौतम बुद्धा जी की मूर्ति है। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है चीज़ें, अभी आगे से देखते हैं स्टैचू को कैसा लगता है। तो अभी हम लोग 14,300 फीट के ऊंचाई पर है, आप लोग देख सकते हो इसका एल्टीट्यूड इतना है। एंड ये रहा स्टैचू, और स्टैचू के सामने जो व्यूज है ना यार, बहुत ज्यादा बढ़िया है। आगे देख सकते हो आप, बर्फीला पहाड़ भी दिख रहा है वहां पर, एंड आजू बाजू में सब आपको हिमालयाज दिखने को मिलेंगे। सच कह रहा हूँ, यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। पीछे भी देख सकते हो आप लोग, और यहाँ पर भी आप लोग स्टे कर सकते हो अगर आपको स्टे करना है। यहाँ पर कैफेज वगैरह भी है, आपको फूड वगैरह भी मिल जाएगा। तो तरन, तुझे ठंड लग रही है? नहीं, मेरे को तो ठंड लग रही है अभी, पता नहीं क्योंकि हम लोग ज़्यादा हाइट पर आ गए ना अभी। ऑलरेडी काजा में हम लोग ज़्यादा हाइट पर थे, हाँ उसी वजह से। मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो। अभी चलते हैं दूसरी जगह पर जहाँ पर हम जाने वाले, उस प्लेस का भी आपको मैं नाम बता देता हूँ। आपको पता है इन विलेजेस की पॉपुलेशन भी 150 है, मतलब यहाँ पर बस 150 लोग रहते हैं। हमें लगता है यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी, पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर कैफे भी है, स्पेसशिप नाम है उसका, तो यहाँ पर थोड़ी देर आकर स्टे कर सकते हो। अगर बाइक रेंट करके आ रहे हो तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। मेरे साथ कोई था नहीं और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं, सबसे बड़ा इशू वही है, इसलिए फिर रह गया। मुझे अभी तक किसी भी जगह पर नेटवर्क के इशू नहीं आए थे, बट लांगजा विलेज में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। मतलब मेरे को कॉल तो आ रही है, बट मेरी आवाज़ आगे वालों को सुनाई नहीं दे रही है, और मेरा नेट भी नहीं चल रहा है, तो शायद यहाँ पर नेटवर्क का इशू हो सकता है। बट यहाँ पर जियो और एयरटेल बहुत ज़्यादा बढ़िया चलता है। जियो तो आप सोच ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बढ़िया चलता है। ऐसा लगेगा आपको कि आप मुंबई या दिल्ली में हो, मतलब अच्छे से सिटी में। तो भैया अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अब जाएंगे कॉमिक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉमिक विलेज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है। तो लांगजा तो हो गया, अभी जाए यहाँ से कितना दूर है लांगजा से, अगर उसको कवर करना? यहाँ से 7-8 किलोमीटर। 7 किलोमीटर सेम रूट से जाना पड़ेगा या उसका रास्ता कुछ अलग रहता है? वही मेन रोड वही है। अच्छा, सेम रूट। और गूगल मैप पे तो ये सब चीज़ें आराम से मिल जाएगी ना, अगर गूगल मैप? टाइमिंग थोड़ा गलत बताते हैं। अच्छा, गूगल मैप 4 घंटे लगता है वहाँ, गूगल ज़्यादा टाइम बता देता है क्या? कम टाइम बताते हैं। अच्छा, 2 घंटे बता देते हैं। अच्छा अच्छा, 8 घंटे का रास्ता है वो 4 घंटे बता देते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है। आप मनाली से ट्रिप शुरू करेंगे ना, हाँ हाँ, गूगल से पूछोगे तो आपको बहुत कम बताएगा, पर टाइम उसे डबल ज्यादा लगेगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत बार लैंड स्लाइड वगैरह भी चलती है ना बीच बीच में, थोड़ा बहुत होता है। अच्छा ठीक है, तो चलो मैं आपको। अच्छा
तो अभी मैं आपको कॉमिक विलेज में जाकर मिलता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं कॉमिक विलेज में, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है। और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोनेस्ट्री है, यहाँ पर भी एक मोनेस्ट्री है और व्यूज़ कुछ ऐसे है भाई। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा है हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। इस विलेज का नाम है कॉमिक, पॉपुलेशन है 114 कैपिटा और एल्टीट्यूड है 4587 मीटर्स। मतलब हम बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर अभी आ चुके हैं। और हाँ, नीचे छोटा सा गांव देख सकते हो, वहाँ पर थोड़े बहुत घर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ऐसे कुछ रोड्स हैं। तो इन्हीं रोड्स की कनेक्टिविटी इस विलेज तक है, इसलिए इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज कहते हैं, जिसके साथ रोड्स कनेक्टेड है। यहाँ पर मैं अपनी खुद की बाइक को तो नहीं लेकर आ पाया, बट मैं कहना चाहता हूँ जैसे भी आया मैं टैक्सी से आया बट यहाँ तक पहुँच गया। कुछ दिनों पहले मैंने सोचा था और अभी मैं यहाँ पर आ चुका और बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी यहाँ पर ना कुछ मोनेस्ट्रीज भी है, तो उनको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं कैसी है मोनेस्ट्रीज। तो ये है ओल्ड मोनेस्ट्री कॉमिक विलेज की। मोनेस्ट्री में ना आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और आपको हिमाचल में बहुत ज्यादा मॉनेस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी हर जगह। ये यहाँ की ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है, इसको बजाते हैं पता है आपको शाम को सुबह। यहाँ पर लामास बैठते हैं देख सकते हो आप। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगता है क्योंकि इतनी शांति, अभी हमें ज़्यादा शांति में रहने की आदत नहीं है इसलिए। बट देख सकते हो ऐसा कुछ है ओल्ड वाली मोनेस्ट्री। और ये रही यहाँ पर न्यू वाली मोनेस्ट्री, यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है भाई, ये देख सकते हो हिमालयन निक्टर किचन, कॉमिक विलेज का कह सकते हो और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी। कॉमिक दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला गांव है जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है और यहाँ की पॉपुलेशन 400 लोगों से भी कम की है। और मुझे खुशी इस बात की होती है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज भी इंडिया में है। और ये है मॉनेस्ट्री न्यू वाली, तो हम यहाँ तक आ सकते हैं अंदर। देखो यहाँ लिखा माउंटेन, अंदर पूजा चल रही है। इस मॉनेस्ट्री को कॉमिक मॉनेस्ट्री के नाम से ही जाना जाता है। तो वर्ल्ड के हाईएस्ट रेस्टोरेंट में आपको कॉस्ट कैसा पड़ेगा हर एक चीज़ का एक बार देख लो। आपको यहाँ पर कॉफ़ी मिलेगी 80 रुपीज़ की, बहुत सारी चीज़ें लेमन टी 70 की, और यहाँ पर ना एक चीज़ मिलती है सीबेकथॉन टी, वो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है बॉडी के लिए। और ये रेस्टोरेंट है 4587 मीटर्स की हाइट, मतलब इसका एल्टीट्यूड कितना ज़्यादा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कि विलेज को, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया।